इस लड़की के हाथ में 98K की बंदूक है जो दूर स्थित लक्ष्य पर निशाना साध रही है। लेकिन जैसे ही वह शूटिंग करने वाली थी, एक ध्रुवीय भालू दिखाई दिया। कुछ लोग घबरा गए। यह और भी करीब होता जा रहा है। उकी ने अपनी 98K बंदूक उठाई और ध्रुवीय भालू पर प्रहार किया। मेरी कुशलता कैसी है? जब उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, तभी एक दहाड़ सुनाई दी। ध्रुवीय भालू फिर से उठने में सक्षम था, उनकी ओर दौड़ रहा था। वहां एक छोटी लड़की निश्चल पड़ी थी। मूल रूप से उकी फिर से शूटिंग करना चाहता था, लेकिन ज्यादा तनाव के कारण बारूद लोड नहीं हो सका। भालू को पास आता देख उसकी बहन खतरे में पड़ गई। निर्णायक क्षण में माइका ने पुनः लोड करते हुए 98 के लेने के लिए उकी को बाहर धकेल दिया। जब भालू उसकी बहन को गिरा देता है, उसने ट्रिगर खींच लिया और सिर में गोली मार दी। बहन को जमीन पर गिरा देख माइका देखने के लिए दौड़ी। सौभाग्य से लड़की को कोई चोट नहीं आई। लोग वहां से भाग जाते हैं। वे नहीं जानते थे कि भालू न केवल मरा नहीं था, बल्कि उसकी आंख से एक परजीवी भी रेंग रहा था। शहर लौटने के बाद उन्होंने दूसरों को कहानी सुनाई। वहां से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी ने बहुत सारे बच्चों को देखा तो वह उनके पास गया और पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे चुप रहे। आखिरकार उन्होंने बंदूकें चुरा ली और यहां संरक्षित जानवरों को मार डाला। अगर पुलिस को पता चल गया तो बड़ी परेशानी होगी। लेकिन एक परजीवी गोदी में आ गया। मछुआरों को आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। जमीन पर पड़ी रस्सी खींच ली गई। मछुआरे का पैर भी रस्सी में फंस गया और पानी में खींचता चला गया। इस बिंदु पर उकी फिर से दृश्य में लौट आई। उसने पाया कि ध्रुवीय भालू का शरीर गायब हो गया था। उसने उत्सुकता से इधर उधर देखा तो देखा कि एक जंगली हिरन एक मृत शरीर को खींच रहा है और यह शरीर मछुआरे का है। लेकिन उसे डर नहीं लगा, बल्कि वह देखने के लिए दौड़ पड़ी। मांस का एक बड़ा लोथड़ा देखकर उसने हिरन का पीछा किया। वह लुप्त हो रहा ध्रुवीय भालू भी देखा। वह मांस का लोथड़ा जालों से ढका हुआ था, बहुत अजीब। यह वह प्राणी है जिसने ध्रुवीय भालू को फिर से जीवित कर दिया। जबकि उकी देख रही थी, एक ध्रुवीय भालू ने उस पर पीछे से हमला किया जिसके मुंह से कई घृणित तंबू निकले हुए थे। उकी ने अपनी बेल्ट से चाकू निकाला और उसे मार डाला। उसने उसके शरीर को दूर धकेल दिया, फिर तेजी से भाग गई। लेकिन ध्रुवीय भालू पर जीवियों से संक्रमित होता है और जंगली हिरन आते हैं। भालू की आंख से एक तंबू रेंगकर बाहर निकला और पाया कि वह वही मरा पड़ा है, तो वह गुस्से में दहाड़ने लगा। उकी के वापस आने के बाद उसने ये सारी कहानियां अपने दोस्तों को बताई, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन ध्रुवीय भालू बदला लेने के लिए शहर में आया है। पहला शिकार एक पुलिस कर्मी था। उसने एक ध्रुवीय भालू देखा, इसलिए उसने उसे भगाने की कोशिश की। लेकिन एक भालू उत्परिवर्तित था। यह पुलिस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। परजीवी पुलिस कर्मी के शरीर में घुस गया। उकी अपने दोस्तों को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या देखा था, लेकिन वह पुलिसकर्मी अचानक गुस्से में आ गया। लुक में कुछ गड़बड़। माइका अपनी बहन को मौत के कगार से खींचने के लिए ठीक समय पर घर पहुंची। उसने दूसरों से उसकी बहन को ले जाने के लिए कहा और वह वहीं रुक गई। जब सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए तो वह चुपचाप बेडरूम में घुस गई और बचने के लिए खिड़की पर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर मुख्य सड़क पर भागी, वह राक्षस भी आ गया। वह एक अन्य बदले हुए पुलिसकर्मी से भी मिली। आपातकाल के दौरान उन्हें एक कंटेनर में छुपना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि राक्षस का जाने का कोई इरादा नहीं था। वे कंटेनर के ऊपर चढ़ गए और उसे तोड़ दिया। हर कोई डरा हुआ है, लेकिन उसके ठीक बाद राक्षस ने कंटेनर के दरवाजे पर खड़े होकर हमला करना बंद कर दिया। माइका ने मदद मांगने के लिए जल्दी से अपने माता पिता को फोन किया। नतीजा यह हुआ कि माता पिता का फोन नहीं सुना गया। उन्होंने दोबारा पुलिस को बुलाया। पुलिस भी तुरंत भागी, लेकिन जैसे ही वे कार से उतरे, उन पर राक्षसों ने हमला कर दिया। एकमात्र आशा खत्म हो गई। लेकिन ऐसे नहीं, इसलिए उन्होंने अकेले ही राक्षसों से लड़ने का फैसला। माइका मदद के लिए दूसरे निकास द्वार पर आई, लेकिन उकी फिर भी बाहर नहीं निकल सकी। राक्षस ने पकड़ लिया। उसने अपना जाल फैलाया और उसकी पिंडली को पकड़ लिया। दो अन्य दोस्त लड़की को बाहर निकालने में मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राक्षस कहां चला गया। माइका ने उकी की देखभाल के लिए लड़के को यहां छोड़ दिया, जबकि वह और जीसी राक्षस को ढूंढने गए। उन्होंने राक्षस के निशान खोजे। इसकी दिशा माइका का घर है, इसलिए वे माइका के घर गए। लेकिन राक्षस कहीं नजर नहीं आता, लेकिन बाप को देखते हैं। इसी दौरान पिता को जमीन पर खून से सने कपड़े मिले। राक्षस ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। माइका मदद के लिए दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसे उड़ा दिया गया। सौभाग्य से माइका को कोई चोट नहीं आई।
लेकिन उसने अपने पिता को जमीन पर राक्षस द्वारा कुचले जाते देखा। यह आपको संक्रमित करने वाला है। बहुत सारे परजीवी दरवाजों और खिड़कियों के खुले स्थानों से रेंगकर अंदर आ जाते हैं। जेसी माइका को कोठरी के नीचे से बचाने के लिए दौड़ती है। जब पिता संक्रमित होने वाले थे तो माइका ने जमीन से भाला उठाया और उस पर घूम दिया, फिर दोबारा काटा गया। आखिरकार राक्षस का समाधान हो गया और बचे हुए परजीवी जो खिड़की से रेंग रहे थे भी मर गए। अंत में सभी मातृ परजीवी चले गए। उन्होंने केवल कुछ राक्षसों को ही नहीं मारा, यह एक परग्रही प्राणी है जो पृथ्वी पर आक्रमण कर रहा है।